नमस्ते। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें यदि कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है और हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा क्यों कहा, और इसी बारे में हम सोचकर परेशान होते रहते हैं और लंबी लंबी थॉट्स इसके बारे में चलती रहती है हमारी, और हम अपने आप से और अपने अपने जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनसे भी उस बारे में बात कर रहे होते हैं, और हम बार बार यही कह रहे होते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा ऐसा कहा। पर यदि हमें समझ में आए कि जिस व्यक्ति ने हमें कुछ कहा है वो किसी कारण से शायद उस समय परेशान है, किसी और समस्या में जूझ रहा है, तो शायद हमें उसकी कोई भी बात इतनी बुरी ना लगे जितना कि हमें पहले लग रही थी। तो हमें समझने की जरूरत है कि इस समय जब हर कोई परेशान है, हर कोई किसी ना किसी समस्या में जूझ रहा है, तो हम होता है कि कई बार एक दूसरे को कुछ बोल भी देते हैं, कुछ गलत भी हमारे मुख से निकल जाता है। पर यदि हमें समझ में आ जाए कि वो व्यक्ति किसी बात से परेशान है तो हम फील नहीं होगा उस बात को, हम अंडरस्टैंडिंग करके वहीं स्टॉप कर देंगे, और इसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, वेस्ट थॉट्स चलती हैं, वो नहीं चलेंगी और ओवर थिंकिंग हमारी रुक सकेगी। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि हर कोई किसी ना किसी बात को लेकर अभी परेशान है, समस्या में है, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो वेस्ट थॉट ना चलाएं, और किसी ने कुछ कह दिया है तो उसे वहीं स्टॉप करके